करेंगे। शालम भाई क्या बताना चाहेंगे, क्या पूरा माजरा है 22 वर्षीय रियाज के साथ, आज जो ये हादसा हुआ है किस तरीके से हुआ और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? रफीक भाई, ये 200% टोरेंट का ही इसके अंदर लापरवाही है। उसकी वजह ये है कि जिस दिन ये वायर नीचे लटका है, मेरे को मोहल्ले के लोग मेरे घर पे आए सुबह 11 बजे, सालम भाई ऐसा वायर लटक गया है, बहुत डेंजर है। मैं तुरंत आया यहाँ पे, देखा, देखने के बाद मैंने यहाँ से फोन लगाया टोरेंट कंपनी को, जो यहाँ का इनका ऑफिसर है चेतन, कि मैंने बोला कि देखो यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग इसको भेजिए और इसको काम करके लो। वो बोला ठीक है साहब, हमें अपना अद वो भेज रहे। 4 दिन से उसमें से 2 दिन इनका ऑफिसर खुद आए, सर्वे किया, उनका इंजीनियर बोलता है कि साहब ये बहुत डेंजर है, अगर 5 फुट से भी दूर पे लगा तो खींच लेगा। आप बताओ इतनी लापरवाही किसकी हो सकती है? ये अगर MSEB रही होती ना, MSEB भले कैसी थी लेकिन MSEB 4 घंटे के अंदर ये काम करके देती थी, 4 घंटे के अंदर। और ये टोरेंट ने 4 दिन लगा दिया, ये खाली प्रोटेक्शन लेके घूमते हैं साले और खाली बिल कवर कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ये लोग कोई काम नहीं कर रहे इसके नाम के ऊपर के फैसिलिटी क्या होना चाहिए। ये लापरवाही इतनी बड़ी है, अगर ये जो बच्चा अगर मर गया इसका जवाबदार कौन होगा? टोरेंट कौन होती है? टोरेंट नहीं है तो और कौन लेगा इसकी जवाबदारी? उसके इलाज का पूरा खर्चा रफीक भाई पूरा चाहिए, उसके ऊपर कंपेंसेशन जो होगा वो टोरेंट को भरना पड़ेगा। और ये जो इसका इंजीनियर आया, 1 घंटे से मैं लोगों को फोन कर रहा था, किसी ने भी फोन नहीं उठा। देख तो सबसे बड़ा मसला इनका है कि MSEB के अंदर जो ऑफिसर आते थे, जो इंजीनियर आते थे, वो बाकायदा आगे काम करके जाते थे 1 घंटा 4 घंटा 10 घंटे में, लेकिन टोरेंट वालों के अंदर इनके सिस्टम पहला इनके प्रोटेक्शन लेके आ रहे आजकल, मतलब भाईगिरी करते हैं लोग, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे इनके हेड ऑफिस पे देख लो। चरनीपाड़ा की कंप्लेंट है लोग के पास, अभी तक कवर नहीं हो रही, वहाँ पे भी लाइट में खम्भे करंट मारना, मेरी कंप्लेंट है वो पता कर सकते हो। अच्छा, बिजली के पोल में, अच्छा उसका होने के बाद इधर का जब मैंने बोला, इनका इंजीनियर कल आया शाम में 6 बजे, मैंने बोला क्या क्या, बोले भाई ये टाटा का, हम लोग इसको तुरंत वो करके ले रहे। मैंने बोला देखो ये हादसा कभी भी हो सकता, बच्चे कोई टेरिस पे चला गया, उनको क्या मालूम है, औरत है, बच्चे कभी चले गए तो क्या होगा। मैं पहले दिन से बोल रहा था ये लोग 4 दिन लगा दिया, अगर ये काम किए होते तो आज ये हादसा होता क्या? आज ये नौजवान लड़का जो इसके हाथ में हुआ कौन? शालम भाई, जैसे आप कह रहे कि अब रियाज के साथ हादसा हुआ है, बेहद गरीब परिवार का लड़का बताया जा रहा है, तो कंपनसेशन की आप बात कर रहे हैं, टोरेंट कंपनी अगर कंपनसेशन देने के लिए आनाकानी करती है या अपने हाथ ऊपर करती है, तो आप लोग जो है, आप एक नगर सेवक है, मकामी लोग तमाम आपके साथ है, किस तरह का कदम आगे उठा सकते हैं? केस करेंगे हम लोग, केस करेंगे, बिल्कुल करूंगा, कानूनी कार्रवाई होगी, लड़ाई होगी। वो गरीब क्योंकि उसकी जवाब लापरवाही किसकी हुई? वो लड़का खुद गया क्या करंट में? पहले से सूचना दी गई थी 4 दिन पहले की, रिपोर्ट आप चेक कर सकते मेरे मोबाइल को भी, और जो चेतन इनका वो इंजीनियर है उसके मोबाइल को चेक करो, 4 दिन पहले शालम आजमी ने कंप्लेन किया कि नहीं किया इस केबल के लिए, तो जवाबदार कौन होना मांगता? टोरेंट कंपनी होना चाहिए इसकी जवाबदार, दूसरा कोई नहीं। अभी इनका इंजीनियर आ रहा है, वो एक कौन जो सिक्योरिटी गार्ड लेके आ रहेगा, अबे तू इंजीनियर लेके आ, तू लेबर ला इसको काम करने के लिए, कि तू सिक्योरिटी लेके आके डराएगा क्या लोगों को? गलत है सही है वो आप बता सकते हो उसके अंदर। ठीक है, हमारे साथ में इसी इमारत के रहवासी है अब्दुल। अब्दुल क्या बताना चाहोगे इस हादसे के बारे में, क्या पूरी जानकारी है, कब से ये मसला यहाँ पर चल रहा है? जैसे शालम भाई ने बताया 4 दिन से पहले सूचना दी गई थी, उसके बावजूद जो है टोरेंट ने लापरवाही बरती है, क्या कहोगे? सर 4 दिन पहले हम लोग को मालूम पड़ा कि ये तार नीचे आ गया, तो हम लोग शालम भाई के घर पे गए, तो ये भैया ने बोला ठीक है, आए इधर तुरंत देखे, फिर उन लोगों को फोन किए, तो पहले आए नहीं, दूसरे भी कल के दिन आए, खाली फोटो मारे और चले गए। अगर वो किए होते तो आज ऐसा नहीं होता, बिल्डिंग में भी जब बारिश होती है तो अर्थिंग उतरता है। अच्छा, हाँ तभी क्या करेंगे, उनकी सारा टोरेंट का ही है, पूरा टोरेंट की लापरवाही है। इसी इमारत की कुछ महिलाएं हमारे साथ में है, क्या बताएंगे आप इस हादसे को लेकर के? हाँ यही बताएंगे कि 4 दिन से नगर सेवक हमारे देखिए कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, कल भी सिर्फ आके तस्वीर खींच के चले गए, ठीक है ऐसा नहीं होता, लेकिन आज हादसा हो यानी टोरेंट पर एक इल्जाम लगता है कि टोरेंट अपनी मनमानी करती है, टोरेंट पे ही इल्जाम लगेगा, तो ये यहाँ पर साबित हो रहा है टोरेंट ने मनमानी की है। टोरेंट ने मनमानी की, यानी कि उनको उनको नगर सेवक उनको आगाह करने के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं किया। इनको शूट करो, बात करो ना तुम उनसे, बात करो भाई, कौन कौन है आपको? अभी बड़ा कौन ऑफिसर टोरेंट, क्या नाम है आपका सर? रौनक। 4 दिन से मैंने कंप्लेंट दिया, कितने दिन से? 4 दिन हो गया, तुम्हारा इंजीनियर आया कल भी,
सिर्फ बेकार है, वो खुद बोलता है कि साहब ये बहुत डेंजर है। मैंने बोला कि डेंजर इसीलिए चार दिन से जब मैं तुम लोग को कंप्लेंट कर रहा हूँ तो तुम लोग इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे। अब ये हादसा किसकी वजह से, किसकी लापरवाही से हुआ, किसकी लापरवाही है, टोरेंट की है या नहीं है, बिल्कुल आप हाथों हाथ है ना, तो जो इससे पहले आए वो हाथों हाथ कौन थे। आप देखो सर, आपकी कंपनी का आदमी था कि नहीं था, टोरेंट वाले थे ना, तो फिर ये लोग क्यों नहीं आगे काम किए, क्यों नहीं किए। लोग फोटो लेके जा रहे हैं, आप बहुत ही मतलब लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जब मैं जिस दिन हुआ ना, सुबह में हुआ, एक घंटे में मैंने तुमको कॉल किया, 11 बजे मुझे इन लोग ने, मुझे 11:15 बजे मोबाइल चेक करो, मेरा भी और तुम्हारा चेतन का, तो मैंने कॉल इसलिए किया था। तो जब तुम लोग लापरवाही कर रहे, बारिश का सीजन है, मैं चिल्ला रहा हूँ कि देखो हादसा होगा, हादसा होगा। आज ये हादसा हुआ कि नहीं हुआ, हादसा किसकी वजह से हुआ, तुम लोग खाली भील 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 कर रहे, ये प्रोटेक्शन लेके आके डराते तुम लोग। एमएससी भी इससे पहला करके देती थी काम, तुम टोरेंट के नाम पे फैसिलिटी नहीं, एक हम इतना फैसिलिटी। एक बात बताइए, आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं मीडिया से, बोलिए। रौनक जी, ये स्थानीय नगर सेवक के शाह आलम शेख, इन्होंने 4 दिन पहले आपके पीआरओ है चेतन जी है ना, उन्हें फोन पर सूचना दी थी, क्योंकि अन्य अधिकारियों के तो यहाँ मोमरा कोसा के समाज सेवक नगर जो किसी का नंबर नहीं है, टोरेंट में क्या मतलब फंक्शनिंग स्टाइल क्या है लोगों को पता ही नहीं है, तो इन्होंने चेतन जी को 4 दिन पहले सूचना दी थी। कहीं आपके पास रिकॉर्ड है चेतन जी ने आपको वहाँ पर उस इस मामले के बारे में वहाँ सूचित किया है, वहाँ पर आपको अग्रिम कल्पना दी है कि यहाँ पर यह हादसा हो सकता है, जा करके उस पोल को दुरुस्त किया जाए, उस केबल को ऊपर किया जाए। ये देखिए, अभी उन्होंने बताया था, हाँ ऐसी बात नहीं है, कल क्या परसों के दिन आप बंदा भी आया, हमारी एसटी वाली टीम जो होती है उसको हमने फॉरवर्ड भी किया, तुम्हारी मेरे को यही प्रॉब्लम है, वर्किंग में है, नहीं नहीं वर्किंग में है। अभी आज एक 22 साल का लड़का हादसे का शिकार हो गया, और कितने हादसे होंगे तब जाके आपका वर्किंग प्रोग्रेस ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी। एक बार समझिएगा, मेरे को पहला मीडिया के सामने क्लियर करो, जब ये चीज आपने आपका बंदे ने आपको फोटो दिखाया, आप बोल रहे कि हमारी वो एसटी की टीम आ रही, टीम कब आएगी, जब 2-4 लोग मर जाएंगे, जब नहीं बताओ ना रौनक जी, सेंसिटिव है कि नहीं, फ्यूज डालने वाला अलग, डीओ डालने वाला अलग, बोलते रहते, चिल्लाते रहते, हम लोग कह रहे क्या कर रहे, उनकी दूसरी टीम आएगी 3 घंटा, कल 7 घंटा लगा खाली फेस डालने के लिए, कितना घंटा, 7 घंटा, 3 बजे से करते करते 11 बजे रात को ये लोग ने डाल के गए। कल रात में कौन था तुम्हारा लाइन मैन या इंजीनियर, पूछो उसको फोन करके, घटना स्थल आइए, जाइए जाइए जाइए।